कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ा वो 10 महीने पहले की बात है। क्या आप आदित्य ठाकरे को हराने की चुनौती दे रहे हैं? आम वर्लीकरों को न्याय पहुंचाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। आप आज नए मैनिफेस्टो को देख लीजिएगा, अभी केवल A+ लिखा है, वो A+ भी उन्होंने हटाया। तो इन लोगों को हमें एक्सपोज करना है। आपने जनता के लिए क्या काम किया उस पर आप फोकस कीजिए, बाकी मुद्दों को आप उपेक्षित कीजिए। महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज के दौरान हम पहुंच गए हैं मुंबई की सबसे हॉट सीट वर्ली पर, जहां से मिलिंद देवड़ा शिवसेना के उम्मीदवार हैं और उनके सामने चुनौती दे रहे हैं आदित्य ठाकरे। मिलिंद देवड़ा का सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 1 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल ये राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन अब वो वर्ली से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। इसको आपका डिमोशन ना समझा जाए क्या कि आप 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और फिर अब आप एक विधानसभा लड़ रहे हैं? देखिए, मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, शिवसेना को मजबूत करने के लिए, महायुति को मजबूत करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम वर्लीकरों को न्याय पहुंचाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। ये डिमोशन या बली की बकरा जो आप लोग मीडिया में कुछ लोग चला रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दक्षिण मुंबई के मतदाताओं के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है। मेरे स्वर्गीय पिताजी इस क्षेत्र से 1968 से कॉरपोरेटर MLA MP, 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा के सांसद। हम भी यहाँ से 4 बार लोकसभा लड़ चुके हैं, तो साउथ मुंबई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। और आज जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, इसका एक कारण है 2019 से लेकर आज तक वर्ली में उभाटा में 3 आमदार हैं, 1 MLA, 2 MLC, 1 सांसद, 3 महापौर, अनेक नगर सेवक। जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को वादा दिया कि हम आपकी हर समस्या को दूर करेंगे, उन्होंने A++ का वादा दिया। आप आज नए मैनिफेस्टो को देख लीजिएगा, अभी केवल A+ लिखा है, वो A+ भी उन्होंने हटाया। तो इन लोगों को हमें एक्सपोज करना है। जो लोग झूठे वादे दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, उन लोगों को हमें इस बार हराना है, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य। लेकिन आप चूंकि शिवसेना में हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि ये शिवसेना का गढ़ रहा है वर्ली, अब असली लड़ाई क्या इस बात की है कि शिवसेना किसकी है, असली वाले शिवसेना और नकली वाले शिवसेना की गढ़ रह चुकी है और रहेगी, लेकिन असली शिवसेना की। और आप लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों को देख लीजिएगा, लोकसभा विधानसभा में 5 साल पहले आदित्य ठाकरे जी लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले उनके उम्मीदवार अरविंद सावंत जी केवल 6,500 वोटों से उन्हें वर्ली में लीड मिली, यानी कि 1/10। इसका साफ मतलब है कि उभाटा के खिलाफ प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी है। हमारा उद्देश्य है उस एंटी इनकम्बेंसी हमें एक्सपोज करना है, लोगों को न्याय पहुंचाना। क्या आप आदित्य ठाकरे को हराने की चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे बाहरी हैं और आदित्य ठाकरे हम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम पार्टी को और महायुति के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनाव में उतरे हैं। क्योंकि आप ये कह रहे थे ना बार बार, एक चीज कही जा रही थी कि आपने कहा कि आदित्य ठाकरे बाहरी, उनके लोग ये कह रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा ये कैसे कह सकते हैं, उनके जो सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी वो भी बनारस में आके चुनाव लड़ते हैं, गुजरात के हैं वो, तो आदित्य ठाकरे का ये तो मुंबई के ही है, क्यों बाहरी कह रहे हैं? मैंने भारी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर से आए हुए हो या लोकल, आपने जनता के लिए क्या काम किया उस पर आप फोकस कीजिए, बाकी मुद्दों को आप उपेक्षित कीजिए। एक चीज और भी है, चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं अभी, मनसे को लेकर के, मनसे बीजेपी के साथ है लेकिन मनसे इस शिवसेना के खिलाफ है। देखिए, मनसे को कोई सीरियसली लेता नहीं है और मनसे की क्या राजनीति है वो हर रोज बदलती रहती है, तो मनसे को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वर्ली की जो लड़ाई है, वर्ली की जो टक्कर है, वो सीधा शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में उभटा, इन दोनों के खिलाफ। मिलिंद जी, चूंकि आप कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं,
मैंने जितना भी आपका परिचय दिया, वो सांसद हो, वो केंद्र में मंत्री हो, वो सब कांग्रेस का रहा है। और एक दिन हम ट्विटर पे आपका बयान देखते हैं और आप कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, वो भी तब जब आपको राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में माना जाता है। देखिए, राजनीति कोई पर्सनल चीज नहीं होती है। राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं, जरूरतमंद लोगों के लिए जमकर संघर्ष करना होना चाहिए। शिंदे साहब ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी, उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, मुंबई के लिए, MMR रीजन के लिए, महाराष्ट्र के लिए, केंद्र में भी हम मोदी जी के सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मैं सकारात्मक काम में विश्वास करता हूँ, वे मुझे सकारात्मक काम करने का अवसर दे रहे हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके लोग कहते हैं कि यार अगर विधानसभा ही लड़ना था, राज्यसभा ही जानी थी, तो कांग्रेस भी देती आपको, क्या दिक्कत थी? देखिए, कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ा वो 10 महीने पहले की बात है। पिछले 10 महीनों से मैं शिवसेना में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे एक प्रकार से रिवॉर्ड किया जा रहा है, एक प्रकार से मेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, ये जो चुनाव लड़ने का फैसला था, ये आपका था कि पार्टी का था? ये निर्णय एकनाथ जी और मैंने मिलकर हमने तय किया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, वर्लीकरों को न्याय दिलवाने के लिए हमने साथ में मिलकर ये निर्णय लिया। चलिए शुक्रिया, ये थे मिलिंद देवड़ा, वर्ली से उम्मीदवार, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो आदित्य ठाकरे को हराने का मादा रखते हैं और वो आदित्य ठाकरे को हरा देंगे।